बॉलीवुड जगत से बहुत ही दुखद खबर है। टीवी के दुनिया के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र 40 वर्ष थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। हार्ट अटैक के बाद आज उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू से लेकर पॉपुलैरिटी मिली, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दिल से दिल तक सीरियल में भी नजर आए। ये खबर मिलने के बाद पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। उनके फैंस और चाहने वाले अपना दुख जता रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में दुनिया छोड़कर जा चुके सुशांत सिंह राजपूत के गम से अभी लोग उबर नहीं पाए थे कि आज सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने देश को गम में डुबो दिया है। बिग बॉस 13 से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उनकी जोड़ी को पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल के साथ काफ़ी पसंद किया गया। दोनों हाल ही में बिग बॉस OTT में भी नजर आए थे। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला ने 24 अगस्त को आखिरी बार इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की थी और फ्रंटलाइन वर्क्स की शुक्रिया अदा किया था। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार में उनकी माँ और दो बहनें हैं। उन्होंने एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। बाबुल की आंगन छूटे ना धारावाहिक के साथ छोटे पर्दे पर उन्होंने कदम रखा और बाद में जाने पहचाने से ये अजनबी लव यू जिंदगी जैसे धारावाहिकों में भी वह दिखाई दिए। लेकिन बालिका वधू से वह घर घर में पहचाने जाने लगे। इसके अलावा वह झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 7 और बिग बॉस 13 में भी नजर आए। 2014 में शुक्ला ने करण जौहर की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के साथ बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की थी। सिद्धार्थ शुक्ला जी की हुई मौत से हम सभी काफ़ी दुखित हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को सहनशीलता प्रदान करें। धन्यवाद।